हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म, और आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ऑफिशियल और एक इन्फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब हम स्कूल से मिलती है या फेलोर से मिलती है तो उसके पीछे काफ़ी रीजन होते हैं। अगर आप दोस्तों स्कूल से फेलोर से मिलते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, तो इस बारे में हम लोग बात करने वाले। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर दोस्तों आपको UGC नेट फर्स्ट पेपर की फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलती है, जो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ में दोस्तों आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं फिल्लर फॉर्म, जो बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का फ्री कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप किस तरीके से स्कॉलरशिप लेने वाले छात्रों पे होगी कार्रवाई, तो भैया कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, हम लोग जो नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उनको फेलरशिप मिलती है। अब वो फेलरशिप के पीछे दोस्तों एक रीजन क्या होता है, आपको कब अमाउंट मिलेगा, जब आप लोग PhD के लिए अप्लाई करते हो। अब दोस्तों काफ़ी लोग क्या करते हैं कि किसी की जानकारी का कॉलेज है, ठीक है, अब या आप जैसे पास आउट कर रहे हो मास्टर, तो दोस्तों काफ़ी कॉलेज पहले कार्रवाई हो चुकी है, जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि आपने जैसे नेट क्वालिफाई किया, JEE क्वालिफाई किया, तो आपने किसी भी PhD कॉलेज में एडमिशन लिया, बट आप लोग PhD नहीं कर रहे, आपने वहाँ पर जानकारी करके उनको बोल दिया कि आप लोग फर्जी एक PhD एडमिशन कर दो, जहाँ से जो आपका अमाउंट आता है, तो आधा अमाउंट कॉलेज वालों के लिए जाता है और आधा अमाउंट आपके लिए जाता है। तो अभी इसको रोकने के लिए और हर जगह स्कॉलरशिप रोकने के लिए दोस्तों यहाँ पर सरकार नए नए कदम उठा रही है। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। या आप जिस कॉलेज में अभी PhD के एडमिशन लेते हो या JEE के लिए क्वालिफाई के बाद आप एडमिशन लेते हो, आपके स्कॉलरशिप मिलती है, तो एक बार देख लेना कि कॉलेज ऑफिशियल है, एक ओरिजिनल कॉलेज है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि यार गवर्नमेंट कॉलेज से किया करो, अगर आप लोग प्राइवेट से करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, बट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज़ हुई है, जहाँ पर 9th क्लास में दोस्तों 55 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जहाँ पर दोस्तों ये पाया गया कि स्कॉलरशिप लेने के बाद भी उन्होंने अपने ही स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। दोस्तों समाज कल्याण जो विभाग की तरफ से उनको स्कॉलरशिप दी गई और वहाँ पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो योगी सरकार ने दोस्तों उनसे अमाउंट वापस ले लिया गया है। तो अगर आप भी ऐसा करोगे दोस्तों तो आपसे अमाउंट तो वापस लिया ही जाएगा, साथ में दोस्तों आपको जेल भी हो सकती है। तो फर्जी स्कॉलरशिप हमें नहीं लेनी है, हमें PhD में अप्लाई करना है, उसके बाद ही हम लोग स्कॉलरशिप ले पाएंगे, ठीक है। और आपके पास दोस्तों ऐसा कोई भी काम करता है तो भैया देखिए, लाइफ अगर जीनी है तो यार एक ओरिजिनल वे में आप लोगों को जीनी है, ठीक है। कोई भी फर्जी वाला काम आपको नहीं करना है जो आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।